31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूँ। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। हरियाणा की सीमाओं पर पंजाब के किसान नेताओं का मजमा लगा है। वे एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। इसके चलते शंभू बॉर्डर और खनौरी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर राज्य के बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी। सितम्बर 2023 तक लिए गए कर्जों पर ब्याज माफ होगा। इसके अलावा अगर किसी पर कोई पेनल्टी लगी है तो वो भी नहीं देनी होगी। ये सुविधा इस साल मई तक मिलेगी। उसके बाद जो भी ब्याज या पेनल्टी नए सिरे से लगेगी वो देनी होगी। ब्याज माफी की घोषणा करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं किसानों का दर्द समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समिति पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं, मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0% जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका जो डिफाल्टर है उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं, जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1,739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1,739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूँ। बात कही है आज एनएसए क्यों लगा दिया उन पर, शांति प्रिय किसानों पर आपने आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। बजट का सेशन मैं पूछ रहा हूँ जी, आपने किसानों की बात करें ना, मुझे मालूम नहीं किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रहे हैं, सोच रखा आपने क्या नहीं सोच रखा, लेकिन बजट के बिंदुओं पर आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी, बजट का एक नॉर्म होते हैं। आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है इसलिए उस बिंदु को रख रहा हूँ मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। ऐसा है कि कल बहुत चर्चा हो ली अविश्वास प्रस्ताव पर, कल इसी पर अभी मैं एक योजना, एक किसान के हित में एक योजना बताई है, वो आपको या तो पच नहीं रही है या आपको मंजूर नहीं है। अपनी अच्छी योजनाओं की सराहना करना सीखें। मैं तो जो लोग ऐसे हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, और ये पहले भी लेके आए हैं हम ये योजना, पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफाल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है तो उनको ऋण भी यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान है, और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है, और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1,739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान ये जानकारी भी दी कि उनकी सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन ही दावे कर सकते हैं।
खट्टर ने बताया कि इसके माध्यम से अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि मदद के तौर पर दी जा चुकी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये ऐलान ऐसे समय में किया गया है जब एक तरफ किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन चल रहा है। फिलहाल दिल्ली कूच पर निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर और खनौरी सीमा पर ही रोक रखा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।